बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बड़ों बच्चों सबको पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे जलेबी। आज जलेबी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शीरा बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीली ली है, उसके अंदर चीनी डालूंगी। पतीली ली है, उसके अंदर 2 कप चीनी डालूंगी मैं, और पानी का इसके अंदर जाएगा 1.5 कप। डेढ़ कप पानी के इसके अंदर इलायची, 2 से 3 इलायची हम खुशबू के लिए। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें। वीडियो को स्किप ना किया करें, इसलिए कि इसमें हम कुछ टिप्स वगैरह बताते हैं तो वो भी आप से मिस हो जाते हैं, फिर आपकी रेसिपी सही नहीं बनती। पूरी रेसिपी को फॉलो करने के लिए पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है, तो वीडियो को देख के लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अच्छा, जब तक ये चीनी मेल्ट नहीं होती हमने इसके अंदर चमचा चलाना है ताकि चीनी नीचे ना लगे। इसको हम हल्का हल्का सा हिलाते जाएंगे। इसके अंदर मैं इलायची डाल दूँगी, इलायची पाउडर है तो वो डाल दें 1/2 टीस्पून, नहीं तो 2 से 3 इलायची तोड़ के इसके अंदर डाल दें ताकि चाशनी से खुशबू आए। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दें, बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब जो चाशनी हमारी बन जाए फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं हम। चाशनी ज़रा हमने ज़्यादा मिकदार में बनानी है ताकि जलेबियाँ हमारी इसके अंदर डिप हो जाएं, इसलिए चाशनी हमने थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में बनानी है। अब इस बात की फिक्र ना करें कि ये ज़ाया जाएगी, चाशनी जो हमारी बच जाएगी वो हमारे मुख्तलिफ स्वीट डिश में इस्तेमाल हो जाएगी, जैसे हलवा वगैरह हम बनाते हैं उसमें ये यूज़ हो जाएगी। ये हमारी चाशनी अब रेडी हो गई है। ये दोबारा क्रिस्टलाइज ना हो जाए इसलिए इसके अंदर हम थोड़ी टाटरी या लेमन जूस 1 पिंच के करीब इसमें टाटरी जाएगी। फ्लेम ऑफ कर देंगे। शीरा हमारा तैयार है। अब हम जलेबियों के लिए मटेरियल तैयार करते हैं। एक बॉल लेंगे जिसके अंदर हमें ये 2 कप मैंने मैदा लिया है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के जाएंगे ताकि क्रिस्पी हमारी जलेबियाँ बने। कुकिंग ऑयल डालने से जलेबियाँ क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनेंगी। अब इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आप भर के डालें तो 1 टीस्पून, लेवर्ड हो तो 1.5। इसके अंदर कलर डालेंगे, कलर आपको जो पसंद हो, ऑरेंज, येलो। इसके अंदर 1 पिंच येलो फूड कलर में डालूंगी, आप ऑरेंज भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर दालचीनी पाउडर डालूंगी, ये बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत मज़े का लगता है जलेबी के अंदर। 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसका हम बैटर बना लेंगे। मिक्स करेंगे इसके अंदर 1 कप पानी। चलिए इसको अब मिक्स कर लेते हैं और मैं मिक्स करने के बाद आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताऊँगी। मैंने इनको मिक्स कर लिया। इसके अंदर रूम टेम्परेचर पर दही के 4 टेबल स्पून जाएंगे, और दही रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास बीटर हो तो बीटर के साथ इसे खूब बीट कर लें, इलेक्ट्रिक बीटर से। मैंने इससे तकरीबन 10 मिनट तक इसको बीट किया है। जितना आप बीट करेंगे उतनी क्रिस्पी और फूली हुई जलेबियाँ बनेंगी, बड़ी मज़े की। ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मैं चम्मच से बताती हूँ। ये इस तरह का फ्लोइंग मटीरियल होना चाहिए। इस तरह की कैचअप वाली बोतल लें और उसके अंदर आप इस मटेरियल को डाल लें। और इसको अब डालना कैसे है वो मैं बताती हूँ। किसी जिप लॉक शॉपर लें या कोई आपके पास शॉपर है तो उसके अंदर इसको डालें। अब हमने घी ले लेना है और घी को फ्लेम ऑन करके गर्म होने के लिए रख देना है, और फ्लेम को हमने लो रखना है, मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। अब इसको हम गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा फिर हम अपनी जलेबियाँ स्टार्ट करेंगे। घी हमारा गर्म हो गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये खीरे में हमने इस तरह से डिप कर ली। तकरीबन 15 सेकंड तक हम खीरे में डिप रखेंगे, फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।